अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नाला सुपारा में एक बार फिर एक बड़ी आपराधिक घटना घटी, जहां नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत विजयनगर में एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बेड के अंदर डाल दिया था। जानकारी के अनुसार हार्दिक शाह और मेघा तोरवी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हार्दिक बेरोजगार था जबकि मेघा नर्स का काम करती थी। अक्सर हार्दिक और मेघा के बीच झगड़ा हुआ करता था। बीते दिन हार्दिक ने मेघा की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जब लोगों को मेघा के घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी तुलिंज पुलिस को दी। तुलिंज पुलिस ने बारीकी से मामले में जांच पड़ताल शुरू की और वो हार्दिक तक पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि हार्दिक नागदा में है। तुलिंज पुलिस ने आरपीएफ की मदद से आरोपी को नागदा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इस हत्या की जानकारी मेघा की बहन को मैसेज भेजकर बताई थी। बताया जा रहा है कि यह हत्याकांड 2 दिन पहले हुआ था। इस कांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ये 37 इयर्स ओल्ड की लेडी है, जो प्रोफेशन उसका नर्स है। वो जो आरोपी है हार्दिक शाह, उसके साथ वो रहने की करीबन 1 महीना पहले वो यहाँ पे रहने के लिए आए थे। वो हार्दिक शाह कुछ काम नहीं करने का और वो लड़की उसका पालन पोषण करने की, इस वजह से वो काम कर रहे, इसलिए इस वजह से वो उसका उससे हमेशा झगड़ती थी। उस झगड़े में उसने उसका खून कर दिया और उस खून के बारे में उसने उसकी एक चचेरी बहन है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, उसका बॉडी तुम जाके वहाँ से ले लो। ऐसा करके वो फरार हो गया था। हमने कुछ टेक्निकल एविडेंस से की मदद से उसका ट्रेस किया और ट्रेन से प्रवास जा रहा है, जर्नी कर रहा है, इसका हमको मालूम हो गया और ट्रेन कौन सी है वो पता कर लिया। फिर हमने आरपीएफ के मदद से वो आदमी जब राजस्थान में से जा रहा है तो राजस्थान में आरपीएफ के लोगों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया और अभी हमारी टीम उसको लेने के लिए राजस्थान रवाना हुआ। सर, हत्या का रीजन क्या था, मतलब क्या कारण से मर्डर किया? वो जो मृतक है वो कुछ जो वो नर्स थी वो और ये जो मारने वाला है वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा था, इस वजह से उनमें हमेशा झगड़ा होने का कि तू कुछ काम कर पैसा कमा, और उसके कारण उसमें झगड़ा बहुत बढ़ गया और उसने उसका मर्डर कर दिया। नाला सुपारा से गौरव राजपुरोहित की एक रिपोर्ट।